वेलकम टू माई चैनल। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्या इक्वेशन है, 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/6 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 इंटू 1/2 माइनस 3x। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, इस तरह सॉल्व कर लेते हैं कि 1/2 बाहर है ब्रैकेट के। इसका क्या मतलब है, 1/2 ने x से भी मल्टीप्लाई होना है और 1/2 ने 1/6 से भी मल्टीप्लाई होना है। ब्रैकेट के बाहर कोई भी वैल्यू होती है तो उसका यही मतलब होता है ना, उसने ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होना है। तो इसने इससे भी होना है और इसने इससे भी मल्टीप्लाई होना है। जैसे 1/3 है तो 1/3 ने इससे भी मल्टीप्लाई होना है और 1/3 ने इससे भी मल्टीप्लाई होना है। तो स्टार्ट करते हैं 1/2 को। जब हम x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो x का x आ जाता है और नीचे 2 है तो 2 का 2 आ जाएगा। माइनस का माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 आ जाएगा और 2 को 6 से करवाएं तो 12 आ जाता है। 2 6 12 होता है ना, समझ आ रही है आपको कि आपने जब 1 को x से करवाया तो x ही आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं था नीचे तो इसका मतलब 1 है। तो 2 को 1 से करवाया 2 आ गया, ये माइनस का माइनस, 1 को 1 से करवाया तो 1 आ गया, 2 को 6 से करवाया तो 12 आ गया। सिंपली इस टर्म को इससे भी करवाया और इस टर्म को इससे भी करवाया, समझ आया। प्लस 2/3 हम क्या करेंगे, एज इट लिख लेते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू 5/6 को भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, इस टाइप में हमने कुछ भी नहीं करना। प्लस 1, अच्छा प्लस का प्लस आ गया, 1/3 ने इससे भी मल्टीप्लाई होना है और 1/3 ने इससे भी मल्टीप्लाई होना है। तो 1/3 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1 1 1 आ गया और 3 2 6 आ गया। माइनस का माइनस आ गया, 1 को 3x से मल्टीप्लाई करवाया तो 3x आ गया और 3 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 1 0 क्या आ गया, नीचे 3 का 3 आ गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में हम ये लिख लेते हैं कि x बाय 2 वैसे ही आ जाएगा, माइनस 1/12 भी वैसे ही आ गया। ठीक है, प्लस 2/3 भी वैसे ही आ गया। यहाँ पे 5/6 प्लस 1/6 और यहाँ पे ये देखिए, इस स्टेप में हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये काम करना है कि इस 3 को इस 3 से कैंसिल करते हैं और हमारे पास क्या रह गया, 3 1 3 3 1 3। तो यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ x रह गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई, अच्छा हर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आपको पता है ना 2 से 3 मेथड्स होते हैं, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, बस एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम जैसे इस स्टेप पे हम ये भी कर सकते हैं कि हम एलसीएम ले लें यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, अगर आपने वो नहीं लेना तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप क्या करें, मल्टीप्लाई करवा दें हर टर्म को विद सेम नंबर, मतलब एक ही नंबर से। और वो नंबर कैसे आपको पता चलेगा, जो नंबर डिनोमिनेटर में होता है ना उससे हमें पता चलता है। 12 और 3 और 2 का एलसीएम लें तो हमारे पास 12 ही आता है, और यहाँ पे भी 6 और 6 का एलसीएम लें तो 12 ही आता है। तो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे हर साइड को 12 के साथ। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई, ईच साइड बाय 12, क्योंकि एलसीएम लेने से हमारे पास 12 आता है इसलिए। ठीक है, तो हम 12 से इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे और 12 से इधर 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 हर साइड को 12 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 12 को जब इससे मल्टीप्लाई करवाना है, ये एक टर्म है, ये अगली है, ये अगली है, क्योंकि साइन आ रहा है इसका मतलब ये अलग टर्म हो गई, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो 12 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x बाय 2 से और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस और 12 मल्टीप्लाई बाय 1/12। इसी तरह ये प्लस है तो प्लस का प्लस आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमने 12 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5/6 प्लस का प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1/6 और माइनस का माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स, समझ आया। अब हम क्या कर देंगे, कटिंग कर देंगे। कटिंग कैसे करेंगे, 2 1 2 होता है, 2 का टेबल में 12 आता है 6, ये 12 इस 12 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 1 3 3 कितनी 12 आ गया 4, 6 1 6 6 12 हो गया 2, 6 1 6 6 2। ठीक है, तो अब जो हमारे पास कटिंग करके आया है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 6 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो 6x आ गया, समझ आया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो 6 + 6 को x से मल्टीप्लाई करवाया, 6x आया, यहाँ पे 1 है तो 1, 6x को ऑफकोर्स 1 से डिवाइड करेंगे, 6x ही आ जाएगा, इसलिए हमने जस्ट 6x से लिख लेना। माइनस यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि यहाँ ये कटिंग हो गई हो तो यहाँ पे भी 1 1 1 0 1 ही आ गया। प्लस का प्लस आ जाएगा, 3 1 3 3 3 12 था 4 तो 4 और यहाँ पे 2 है तो मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 2 0 क्या आ गया, 8 आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे कटिंग हो गई और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है, 2 5 0 क्या आ गया, 10 आ गया। प्लस का प्लस ये आ गया, कटिंग हो गई 2 2 1 0 क्या आ गया, 2
माइनस का माइनस आ गया, 12 को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो 12x आता है। अब हमने क्या करना है, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6x है तो हम क्या करेंगे, इस माइनस 12x को भी यहाँ पे ले आएंगे। तो जब भी टर्म यहाँ से यहाँ कोई जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर तो वो पॉजिटिव टर्म होगी तो यहाँ के नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव होगी तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो 12x नेगेटिव है तो यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आएगा, अब हम ये करेंगे कि कांस्टेंट टर्म को यहाँ पे ही रहने देंगे, 10 प्लस 2, और ये जो कांस्टेंट टर्म है माइनस 1 है, इधर आके प्लस 1 हो गई, यहाँ पे प्लस 8 है, इधर आके माइनस 8 हो गया। 6x में 12x को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18x आ जाएगा। अब इनको प्लस कर लेते हैं, 10 में 2 को प्लस करें तो क्या आता है, 12 में 1 प्लस करें 13 इनको प्लस करने से आया, 13 में से 8 को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो x यहीं पे रहेगा, 5 भी यहीं पे रहेगा, 18 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है ना, कोई भी टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। x की वैल्यू आ गई 5/18। हम इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं कि इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5। सोल्यूशन सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं तो आंसर आ गया 5/18। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5/18, समझ आया। उसके बाद हम अब चेक भी करेंगे, तो पहले मैं आपको इसी को दोबारा बता दूं, ठीक है, फिर ताकि जिसने इतना देखना वो यहाँ तक देख लेगा, और उसके बाद जिसने चेकिंग भी देखनी है वो बाद में देख ले, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि किया क्या था हमने, ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। तो क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने 1/2 को x से भी मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया, 1x/x, और डिनोमिनेटर में 2 का 2 आ गया। माइनस 1/2 को 1/6 से भी मल्टीप्लाई करवाना था तो 1 और 2 6 12, प्लस 2/3 का वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू 5/6 आ गया, प्लस 1/3 प्लस का प्लस आ गया। अब 1/3 ने मल्टीप्लाई होना है इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो 1/3 को 1/2 से करवाया तो क्या आया, 1 1 1 और 3 2 6, प्लस माइनस माइनस 1 को 3x से करवाया तो 3x आ गया, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 1 डिनोमिनेटर में 3 आ गया। अब क्या किया हम लोगों ने, स्टेप में सारा कुछ वैसे ही रहने दिया, यहाँ सेम टर्म आ गई, यहाँ भी, यहाँ पे मैंने एक काम किया, यहाँ पे मैंने ये किया है कि 3 को 3 से कैंसिल कर दिया और x मेरे पास रह गया। फिर मैंने मल्टीप्लाई करवा दी हर साइड को 12 के साथ, ठीक है। 12 कैसे आया, वो एलसीएम लें 12 3 और 2 का, या 6 और 6 का भी एलसीएम लें तो 12 ही आता है। तो इसलिए मैंने हर साइड को, हर टर्म को 12 से मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी। फिर जो कटिंग हो गई ना, कट जो हो गया हमने उसको कट कर दिया, जो रह गया उनको मल्टीप्लाई करवा दिया। इनको मल्टीप्लाई करवाया, 1 रह गया था तो 1 1 0 1, इसी तरह ये कटिंग हो गई तो 4 2 8 आ गया। ये कट हो गया तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, ये आया। ये कट हो गया, ये मल्टीप्लाई करवाया आ गया, और ये दोनों तो कट ही नहीं हुई, ये मल्टीप्लाई होके ये आ गया। फिर हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो यहाँ पे इसको रहने दिया, इसको भी यहाँ पे ले और कॉन्स्टेंट टर्म को वहाँ पे ले गए। फिर इनको सॉल्व किया तो ये आया, इनको सॉल्व किया ये आ गया। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो ये यहीं पर रहा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके ये 18 डिवाइड हो गया, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम चेक करेंगे, चेक कैसे करते हैं, जो एक्स की वैल्यू आ जाती है ना उसको हम क्वेश्चन में पुट करते हैं। क्वेश्चन में पुट करने के बाद अगर तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है कि हमने जो वैल्यू फाइंड आउट किया वो बिल्कुल एक्यूरेट है, वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले तो चेक की हेडिंग दे देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम ये करते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ एक्स, या पुट एक्स इज इक्वल टू 5/18, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स ना बेशक लिखें तो पुट एक्स इज इक्वल टू, बेशक वैल्यू ऑफ एक्स ना लिखें, ठीक है, आपकी मर्जी है, लिखना है तो लिख लें, ऑप्शनल है, या डायरेक्ट लिख लें पुट एक्स इज इक्वल टू 5/18 इन गिवन इक्वेशन। इक्वेशन को मैं इक्यू लिख देती हूँ, ठीक है। अब जहाँ जहाँ एक्स है हमारे पास क्वेश्चन में, वहाँ पे हमने क्या पुट कर लेना है, वहाँ पे हमने 5/18 पुट कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास पहले है 1/2, इसको तो हम एज इट लिख देते हैं 1/2, यहाँ पे आगे ना कर लें, ठीक है, मुझे समझ नज़र नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एंड होने वाला है, ठीक है, पेज का। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं वैल्यू, ठीक है, 1/2 का 1/2, आपको भी समझ आ जाएगा सामने, 1/2 का 1/2 आ गया। एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है डेट इज़ 5/18, तो एक्स की जगह हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 5/18। माइनस का माइनस आ गया, 1/6 का 1/6 आ गया,
यहाँ पे प्लस बाय टू प्लस टू बाय थ्री आ गया इज इक्वल टू फाइव बाय सिक्स आ गया, प्लस का प्लस आ गया और हमारे पास वन बाय थ्री आ गया इंटू वन बाय टू आ गया और माइनस थ्री का थ्री आ गया और एक्स की जगह क्या आ जाएगा फाइव बाय एटीन। समझ आया? तो ये सारा हमने भी पुटिंग की है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा वन बाय टू का वन बाय टू ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम एलसीएम ले लें। एटीन और सिक्स का एलसीएम लेने से हमारे पास क्या आता है, टू नाइन ज़ार होता है, टू कितनी ज़ार सिक्स होता है थ्री ज़ार, फिर थ्री कितनी ज़ार नाइन होता है थ्री ज़ार, थ्री के टेबल में थ्री आता है वन ज़ार, फिर थ्री वन ज़ार और वन टू थ्री ज़ार सिक्स, सिक्स टू ज़ार ट्वेल्व। एटीन और सिक्स का एलसीएम लें तो ट्वेल्व आता है हमारे पास, ठीक है। दोनों का एलसीएम लिया, ट्वेल्व आया। और फिर क्या करेंगे हम, सॉरी टू थ्री ज़ार सिक्स, सिक्स थ्री ज़ार एटीन होता है, मैंने ट्वेल्व लिख दिया। ओके अच्छा जी, एटीन और सिक्स का एलसीएम लेंगे तो एटीन आ जाएगा। देन हम लोगों ने क्या करना है, अच्छा एलसीएम लेना आता है, बाकी क्या करना है कि एटीन सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर तो एज इट आ गया। माइनस सिक्स के टेबल में एटीन आता है कितनी ज़ार, थ्री ज़ार, सिक्स के टेबल में एटीन आता है थ्री ज़ार माइंड में रख लिया। अब जो आया है आपके माइंड में कि सिक्स के टेबल में एटीन कितने टाइम्स आ रहा है, थ्री आया ना, तो थ्री को मल्टीप्लाई कर देना नोमिनेटर के साथ, तो नोमिनेटर में वन है, थ्री वन ज़ा क्या आ गया, थ्री आ गया। समझ आया? प्लस टू बाय थ्री आ गया इज इक्वल टू फाइव बाय सिक्स आ गया, प्लस वन बाय थ्री आ गया इंटू वन बाय टू आ गया, ये माइनस का माइनस आ गया, ये कटिंग कर देते हैं, थ्री वन ज़ा थी कितनी ज़्यादा एटीन होता है सिक्स ज़ार, तो फाइव बाय सिक्स इधर आ गया। ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया, ठीक है। अब ये कर लेते हैं कि वन बाय टू और फाइव में से थ्री को माइनस करें तो टू आता है और एटीन का एटीन आ गया एज इट, प्लस टू बाय थ्री का टू बाय थ्री आ गया इज इक्वल टू फाइव बाय सिक्स आ गया, प्लस वन बाय थ्री आ गया। टू और सिक्स का एलसीएम लें तो टू ही आता है, ये देखें टू वन ज़ार टू, टू थ्री ज़ार और थ्री वन ज़ार, थ्री टू ज़ार सिक्स आ गया। सिक्स और टू का एलसीएम लिया सिक्स आया, टू के टेबल में सिक्स आता है हमारे पास थ्री ज़ार और थ्री को मैं वन से मल्टीप्लाई किया थ्री आ गया। समझ आया? टू के टेबल में सिक्स आता है कितनी ज़ार, थ्री ज़ार, माइंड में रख लिया थ्री को, तो मैंने क्या कहा था नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना जो माइंड में आपके आएगा नंबर, तो टू के टेबल में सिक्स आया थ्री ज़ार, थ्री को वन से मल्टीप्लाई करवाया थ्री आ गया। माइनस डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर एज इट फाइव का फाइव आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम ये भी कर सकते हैं कि हम पहले क्या करें, कटिंग कर दें ताकि हमारे पास शॉर्ट हो जाए। टू के टेबल में टू आता है वन ज़ार, टू के टेबल में एटीन आता है नाइन ज़ार, हमने कटिंग कर दी, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है स्टेप पे, या आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट करवा लें, आपकी मर्ज़ी है। टू के टेबल में एटीन आता है नाइन ज़ार, टू के टेबल में टू आ गया वन ज़ार, प्लस टू बाय थ्री का टू बाय थ्री आ गया इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, फाइव बाय सिक्स आ गया, प्लस वन बाय थ्री आ गया। थ्री में से फाइव को माइनस करें तो माइनस टू आ गया और सिक्स का सिक्स आ गया। प्लस माइनस होता माइनस है, साइन कौन सा आता है जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है, तो फाइव बड़ा उसका माइनस है तो माइनस टू आ गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, वन को वन से मल्टीप्लाई कर दे, वन टू नाइन ज़ार एटीन, प्लस टू बाय थ्री आ गया। यहाँ पे फाइव बाय सिक्स आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, टू वन ज़ार टू आ गया, सिक्स थ्री ज़ार एटीन आ गया। अब हमारे पास क्या होगा, एटीन और थ्री का एलसीएम लें तो हमारे पास एटीन ही आता है, तो एटीन डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर एज इट आ जाएगा। प्लस थ्री के टेबल में एटीन कितनी ज़्यादा आता है सिक्स ज़ार, माइंड में रख लिया सिक्स, तो उसको मल्टीप्लाई करना है नोमिनेटर के साथ, सिक्स टू ज़ार ट्वेल्व आ जाएगा। एटीन और सिक्स का एलसीएम लेंगे तो एटीन आ गया, सिक्स के टेबल में एटीन आता है थ्री ज़ार, थ्री को माइंड में रख लिया, थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई करें फिफ्टीन आ गया। माइनस डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर सेम का सेम आ जाएगा। वन में ट्वेल्व प्लस करें तो थर्टीन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में एटीन आ गया इज इक्वल टू फिफ्टीन में से टू को माइनस करें थर्टीन आ गया, डिनोमिनेटर में एटीन आ गया। अब हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आई थी ना फाइव बाई एटीन, वो बिल्कुल ठीक थी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह हम लोग चेक करते हैं। समझ आया आपको? यहाँ पर ये कम्प्लीट सोल्यूशन है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है? चले ठीक है, समझ आया कि क्या करना था। हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, देन एक्स की जो वैल्यू आई वो क्वेश्चन में पुट कर दी और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमने बिल्कुल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट सही की है। होप सो आपको अच्छे समझ आ गया होगा। मैंने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व भी सॉल्व किए हैं, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ। अगर आपने ये वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं, ठीक है।
आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।